दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेक्नो की तरफ से आने वाले एक नए स्मार्टफोन की। टेक्नो ने 13 तारीख को सूम सटके में दही मटके में रख के नया स्मार्टफोन इंडिया के अंदर लॉन्च कर दिया है, टेक्नो स्पार्क 5 प्रो। मतलब इस फोन का है ना कोई हाइप नहीं बनाया गया है, कोई लॉन्च इवेंट नहीं रखा गया, बस इंडिया के अंदर इसको डाल दिया है। इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं इसी फोन के सारे स्पेसिफिकेशंस के बारे में। और एक्चुअल में भाई जो अभी टाइम चल रहा है ना, जब जो एस्टैब्लिश्ड कंपनियां हैं इंडिया के अंदर रियलमी शाओमी सैमसंग जो अपने फोन्स की प्राइस बढ़ाती जा रही हैं, यहां पर इन्फिनिक्स टेक्नो बात कर ले लावा माइक्रोमैक्स ऐसी कंपनीज के लिए अभी गोल्डन पीरियड चल रहा है भाई कि अगर ये हमको वैल्यू फॉर मनी फोन्स देते हैं तो जो कस्टमर्स है वो इनकी तरफ डाइवर्ट हो जाएंगे, क्योंकि भाई रियलमी शाओमी तो आजकल मनमाना पैसा ले रहे हैं, तो इनके पास में बहुत तगड़ा यहां पर चांस है कि यहां पर अपना नाम बनाए मार्केट में। इस वीडियो के अंदर बात करते हैं इस वाले नए स्मार्टफोन की, देखते हैं भाई कैसा स्मार्टफोन है, क्या स्पेसिफिकेशन दे रहा है, क्या फीचर्स दे रहा है, किस प्राइस पॉइंट पर इंडिया के अंदर लॉन्च किया गया है, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने के पहले लाइक टारगेट सेट कर लेते हैं, और लाइक टारगेट रखते हैं अपन 170 लाइक्स का। आई होप आप कंप्लीट कर दोगे। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है यश और प्रोटेक विलेज चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो स्टार्ट करने के पहले भाई मैं एक चीज आपको बता देता हूँ कि यार थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था इन्फिनिक्स हॉट 9 प्ले के ऊपर, और मैंने बोला था भाई कि ये वाला फोन आपको इंडिया के अंदर काफी जल्दी देखने को मिलने वाला है। तो भाई ये इन्फिनिक्स हॉट 9 प्ले नाम से तो नहीं आ रहा है इंडिया में, लेकिन फ्लिपकार्ट के ऊपर अगर आप जाओगे तो वहां पर लैंडिंग पेज आ चुका है इन्फिनिक्स स्मार्ट 4 प्लस का। और ये वाला जो फोन है ना, ये इन्फिनिक्स हॉट 9 प्ले ही है, बस उसका नाम चेंज कर दिया गया है, बाकी सारी स्पेसिफिकेशन आपको वही मिलेगी। तो अगर आप वो वाला वीडियो देखना चाहते हो तो भाई ऊपर आई बटन में मैंने लिंक दे रखा है, इधर है जिधर भी आता है आई बटन उधर मैंने लिंक दे रखा है, वहां से जाकर के आप उसको चेक कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं भाई फोन के बिल्ड एंड डिजाइन से। बिल्ड क्वालिटी यहां पर आपको प्लास्टिक ही देखने के लिए मिलेगी, लेकिन भाई प्लास्टिक बिल्ड से कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जिस प्राइस पॉइंट पर फोन आने वाला है उस प्राइस पॉइंट पर आपको प्लास्टिक बिल्ड ही देखने को मिलती है। लेकिन आजकल फोन्स में जो प्लास्टिक बिल्ड मिल रही है ना भाई, वो ऐसा नहीं है कि एकदम चीप प्लास्टिक देखने को मिलता है कि यार एकदम ही सड़ा सा प्लास्टिक लगा दिया गया फोन, मतलब ऐसा चीप सा फोन लगे, ऐसा नहीं है भाई। प्लास्टिक क्वालिटी काफी अच्छी मिलती है और उस पर जो फिनिश दिया गया है उससे फोन का लुक काफी बढ़िया लगता है। तो भाई बिल्ड एंड डिजाइन से आपको कोई समस्या यहां पर नहीं होनी चाहिए। डिजाइन वाइज भी फोन काफी अच्छा लग रहा है भाई। टॉप लेफ्ट में आपको रेक्टेंगल शेप में 4 कैमरा का सेटअप है, फ्लैश उसके अंदर देखने को मिलता है, पीछे की तरफ आपको यहां पर फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है, फ्रंट की बात करेंगे तो पंच होल वाला डिस्प्ले मिल जाता है। तो ओवरऑल डिजाइन इसका काफी अच्छा है, और भाई 3-4 अलग अलग कलर्स में आपको देखने को मिलता है, तो आपकी पसंद से आप कोई सा भी फोन ले सकते हो। तो बिल्ड एंड डिजाइन के मामले में फोन से यहां पर कोई भी परेशानी आपको नहीं आएगी। डिस्प्ले की बात करते हैं, 6.6 इंचेस का यहां पर बड़ा सारा डिस्प्ले आपको दिया गया है, 20:9 का एस्पेक्ट रेशियो मिलता है, 278 या 298 ppi की पिक्सल डेंसिटी मिलती है, 480 nits की ब्राइटनेस मिलती है। तो यहां तक तो डिस्प्ले काफी अच्छा लग रहा है। HD प्लस रिजोल्यूशन मिलता है, तो भाई प्राइस पॉइंट के हिसाब से रिजोल्यूशन भी ठीक है, 720 pixels वाला डिस्प्ले, मतलब इस प्राइस पॉइंट के आसपास के जितने फोन देखोगे वहां पर आपको यही वाला रिजोल्यूशन मिलेगा। फुल HD प्लस बहुत रेयर है, मतलब किसी पुराने फोन में आपको देखने को मिल जाए जिसका प्राइस कम हो गया है तो बात ठीक है, लेकिन नए फोन्स में तो अभी आपको देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन भाई यहां पर टेक्नो ने एक काम काफी ज्यादा गलत किया है, मतलब यहां पर IPS LCD पैनल भी नहीं दिया गया है, यहां पर दिया है TFT LCD पैनल। तो भाई टेक्नो ना ये गलत किया है, आपने यहां पर IPS LCD पैनल अगर दिया होता तो डिस्प्ले क्वालिटी अच्छी रहती। TFT जो पैनल है ठीक पैनल है, एकदम ऐसा खराब नहीं है, लेकिन IPS के कंपैरिजन में भाई उतना सही नहीं लगता मेरे को। और यहां पर आपको पंच होल भी देखने के लिए मिलता है। ओवरऑल डिस्प्ले फिर यहां पर डिसेंट हो जाता है, मतलब मैं जिसको अच्छा बोल सकता था वो TFT पैनल के कारण यहां पर डिसेंट डिस्प्ले हो जाता है। तो डिस्प्ले के मामले में आपको कोई परेशानी वैसे नहीं आएगी, लेकिन फिर भी अगर IPS दिया होता तो ज्यादा बढ़िया रहता। परफॉर्मेंस की बात करते हैं भाई, परफॉर्मेंस के लिए यहां पर दिया गया है मीडियाटेक हीलियो A25 प्रोसेसर। अब ये वाला जो प्रोसेसर है पीक क्लॉक स्पीड देता है आपको 1.8 GHz की, 4 कोर मिलते हैं जिसमें 1.8 पे और 4 मिलते हैं आई गेस 1.4 के आसपास। तो यहां पर आपको परफॉर्मेंस जो है वो एकदम डिसेंट मिलेगी, मतलब एकदम एवरेज परफॉर्मेंस मिलेगी, बहुत ज्यादा आपको अच्छी चीजें इसके अंदर देखने को नहीं मिलेगी, अच्छी परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलेगी एक्चुअल में। और साथ ही में बात करें तो 12 नैनोमीटर पर बना हुआ प्रोसेसर है, तो भाई थोड़ा सा एनर्जी कंजप्शन भी होगा। उसी के साथ में बात कर ले GPU की, तो सेम GPU मिलता है जो आपको P22 के अंदर मिलता है, सेम 650 पर क्लॉक किया गया है। तो भाई गेमिंग की परफॉर्मेंस भी आपको वैसी मिलेगी जैसी आपको P22 में मिलती है, मतलब एवरेज ही मिलेगी। मतलब आप कैजुअल गेमिंग अगर करते हैं तो ठीक है, आप कर पाओगे हल्की फुल्की गेमिंग, लेकिन थोड़ा सा भी आपने अगर हैवी गेमिंग करने की कोशिश की तो भाई फोन बैठ जाएगा।
तो यहाँ पर ये वाला प्रोसेसर दिया गया है, मीडियाटेक हीलियो A25 प्रोसेसर। ये वाला जो प्रोसेसर है ना, ये कहीं ना कहीं P22 से भी थोड़ा सा बेकार प्रोसेसर है। मतलब P22 बेकार नहीं है, लेकिन ये उससे थोड़ा सा कम है परफॉर्मेंस के मामले में। तो यहाँ पर परफॉर्मेंस में काफी ज्यादा कटौती करी गई है, परफॉर्मेंस आपको एवरेज ही देखने को मिलेगा। रैम एंड स्टोरेज की बात करेंगे तो स्टोरेज आपको मिलेगा eMMC 5.1 वाला, और रैम मिलेगी आपको LPDDR3 वाली। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है, 4 GB की रैम मिलेगी, 64 GB की स्टोरेज मिलेगी। ये चीज यहाँ पर अच्छी करी गई है, लेकिन LPDDR3 और eMMC 5.1 वाली। कैमरास की अगर बात करें भाई, तो पीछे की तरफ भर भर के 4-4 कैमरा ठूस दिए गए हैं, लेकिन 4 में से एक कैमरा काम का है, 3 कैमरा कुछ भी काम के नहीं है। प्राइमरी कैमरा दिया गया है 13 मेगापिक्सल का, साथ में 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा, और एक है VGA कैमरा लो लाइट सेंसर के साथ में। तो ये 3 कैमरा तो हटा दो भाई, ये कुछ काम नहीं आने वाले। 13 मेगापिक्सल का आपको प्राइमरी कैमरा मिलता है। साथ ही में बात कर ले वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो 1080 पिक्सल पे आप वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे 30 FPS पर। एवरेज कैमरा मिलता है प्राइस पॉइंट के हिसाब से। फ्रंट कैमरा मिलता है आपको 8 मेगापिक्सल का, और उसके साथ में भी आप 1080 पिक्सल वाले वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो 30 FPS पर। ओवरऑल कैमरा मॉड्यूल को देखें तो एक ठीक ठाक सा कैमरा मॉड्यूल है, पीछे की तरफ आपको फ्लैश भी मिल जाता है। तो कैमरा मॉड्यूल मेरे को एवरेज लगा प्राइस पॉइंट के हिसाब से, क्योंकि दूसरे फोन्स के अंदर आपको थोड़ा सा बेटर कैमरा मिल रहा है तो आप उनकी तरफ जा सकते हो अगर कैमरा के लिए जाना है। तो इस फोन के अंदर आपको ठीक ठाक सा कैमरा मिलता है। उसके साथ में बैटरी की बात करें तो 5000 mAh की मॉन्स्टर बैटरी यहां पर आपको देखने को मिलती है। हालांकि आजकल ये मॉन्स्टर थोड़ा सा छोटा मॉन्स्टर हो गया, बड़े बड़े मॉन्स्टर आ गए हैं 6000 mAh के। तो यहाँ पर आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है, साथ ही में 10 W की स्टैंडर्ड चार्जिंग मिलती है। मतलब चार्जिंग में लगभग 3-3.5 घंटे आपको लग जाएंगे इस फोन को चार्ज करने में। 3 घंटे तो लगेंगे भाई मिनिमम मान के चलो, लेकिन बैटरी अच्छी बड़ी दी गई है तो यहाँ पर आपको बैटरी बैकअप काफी अच्छा मिल जाएगा इस फोन के साथ में। तो बैटरी में आपको कोई भी समस्या नहीं आने वाली है। दूसरी चीजों की अगर बात करें तो एंड्रॉइड 10 के ऊपर आपको ये फोन मिल जाएगा, साथ ही में हाई OS UI आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। उसी के साथ में बात करें तो यहाँ पर आपको रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने के लिए मिल जाएगा, फेस अनलॉक का ऑप्शन मिल जाएगा, 3.5mm का छेद आपको इसके अंदर मिल जाएगा, छोटर पुटर इधर उधर के सारे सेंसर आपको इसके अंदर फोन के अंदर देखने को मिल जाएंगे। कुछ भी दिक्कत आपको इसमें नहीं आने वाली है बाकी सारी चीजों को लेके, लेकिन परफॉर्मेंस जो है वो आपको एवरेज मिलेगी। 4GB प्लस 64GB वाला वेरिएंट इंडिया के अंदर लॉन्च किया गया है, और भाई ये वाला जो वेरिएंट है ये इंडिया में लॉन्च किया गया है 10,499 रुपए के प्राइस पे। और भाई ये सुनकर मेरे को थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हुआ, क्योंकि टेक्नो है, इन्फिनिक्स है, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि भाई इनको कॉम्पिटिटिव प्राइस रखने पड़ेंगे। अब P22 से भी सड़ा प्रोसेसर भाई 10,500 में केवल 4GB 64GB के नाम पर लेने जाएंगे तो भाई परफॉर्मेंस तो आपको मिलनी नहीं है। खाली रैम से आपको परफॉर्मेंस नहीं मिल जाएगी, उस रैम को हैंडल करने के लिए प्रोसेसर भी होना चाहिए अच्छा। रैम से तो आप मल्टीटास्किंग कर पाओगे, लेकिन मल्टीटास्किंग कैसे करोगे जब परफॉर्मेंस ही आपको नहीं मिलेगी। तो परफॉर्मेंस के मामले में थोड़ा सा कम है प्रोसेसर। मेरे हिसाब से ये वाला जो फोन है ना, अगर 7-7.5 हज़ार रुपए के आसपास भी आ जाता ना तो यहां पर चल जाता काम 4/64 के साथ में, क्योंकि जहां पर 2/32 यहां पर रियलमी बेच रहा है 7.5 में, अगर उसको टक्कर देनी थी तो ये वाला फोन 7-7.5 के आसपास आना चाहिए था। मेरे को थोड़ा सा फोन ओवर प्राइस लगा। आप मेरे को कमेंट करके बताना भाई कि आपके हिसाब से इस फोन का प्राइस क्या होना चाहिए स्पेसिफिकेशंस को देखते हुए, क्योंकि 10.5 तो मेरे हिसाब से ज्यादा है। आप मेरे को कमेंट करके बताना कितना इसका प्राइस होना चाहिए आपके हिसाब से, कि आप इस फोन को लेने की एक बार सोचे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, ऑल वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना ताकि मेरे वीडियो को नोटिफिकेशन पहुंचे तुरंत से। फटाफट से वीडियो को खत्म करना पड़ेगा, पानी आने लग गया है, लाइट वाइट कभी भी जा सकती है। तो भाई मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।